गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो आज करेंगे एक्सरसाइज 5.7 एनसीईआरटी की कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखो हमारा जो टॉपिक है आज का उसका नाम है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या नाम है? सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर मतलब कि आपको दो बार डिफरेंशिएट करना है। कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? दो बार। जैसे मान लो कि आपके पास वाई दिया हुआ एफ एक्स, ठीक है, आपको इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो करो जरा, पहली बार ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स। देखो एफ एक्स की डिफरेंशिएशन होती है एफ डैश एक्स। क्या होती है? एफ डैश एक्स, ठीक है। ये एक बार डिफरेंशिएट किया। अब आप इसी चीज को दोबारा से करो, दोबारा करोगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा डी बाई डी एक्स। दोबारा से कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ये बनेगा डी बाई डी एक्स एफ डैश एक्स, ठीक है। अब हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, इसको भी d बाई डी एक्स लगाया और यहां पे भी d बाई डी एक्स लगाया। तो आप इसको लिख सकते हो, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, d2 टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्या लिख सकते हो? d2 टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और f डैश एक्स की दूसरी बार डिफरेंशिएशन होती है f डबल डैश एक्स। f डैश एक्स की दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बनती है? f डबल डैश एक्स, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखो, आपने डी वाई बाई डी एक्स को, जैसे आप डी वाई बाई डी एक्स को एफ डैश एक्स वाई डैश भी लिख सकते हो या वाई वन भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको वाई डैश दिखे तो समझ जाना डी वाई बाई डी एक्स, वाई वन दिखे तो समझ जाना डी वाई बाई डी एक्स। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव को, अगर आपको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिखे तो इसको वाई डबल डैश भी लिख सकते हो या वाई टू भी लिख सकते हो, ठीक है। y डबल डैश मतलब दो बार डिफरेंशिएशन, y2 मतलब दो बार डिफरेंशिएशन। जैसे देखो एक क्वेश्चन आपके पास ये देखे रखा हुआ है, आपको इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। क्या करना है? इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब आपको इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है। करो जरा पहली बार, पहली बार करोगे तो क्या बनेगा? डी वाई बाई डी एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2x plus 3, है ना, x square की 2x, 3x की 3 और 2 की 0, है ना, ये एक बार की। अब दोबारा इसका डबल डेरिवेटिव, टू एक्स की डिफरेंट, टू बाहर x की डिफरेंशिएशन 1, 3 की डिफरेंशिएशन 0, तो पीछे क्या बचेगा? 2। देखो जरा इसको यहां तक, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरा, दूसरा देखो आपने इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है। कितनी बार करना है? दो बार। करो जरा पहली बार, ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, ये बनेगा 20x की पावर 19, है ना, एन एक्स एन माइनस वन। ये एक बार किया। अब दोबारा करो, दोबारा करोगे तो क्या बनेगा? 20 को रखो बाहर, एक्स रेस्ट टू पर 19 की, ये बनेगा 19x रेस्ट टू पर 18, और 19 को 20 से मल्टीप्लाई कर लो तो बनेगा 380 इंटू एक्स की पावर 18। देखो इसको यहां तक। अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे, पहले एक बार देख लो इसको, ठीक है। अब तीसरा, वाई इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, आपने इसको भी क्या करना है? आपने इसको भी दो बार, इसको भी दो बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इसको भी कितनी बार करना है? इसको भी दो बार डिफरेंशिएट करना है। करो जरा डिफरेंस, इसमें क्या लगेगा? पहले यू इंटू वी लगाओ, ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, इसमें यू इंटू वी लगा दो, कॉस एक्स बाहर एक्स की 1, फिर एक्स बाहर कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स की क्या हो जाएगी? माइनस साइन एक्स। तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। ये एक बार डिफरेंशिएट किया। अब दोबारा, अब डबल डेरिवेटिव निकालो, दोबारा से करो, दोबारा से करो, ठीक है। दूसरी बार देखो, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, इसमें आपने इसको करना है, इसमें दोबारा से यू इंटू वी लगा दो, साइन एक्स बाहर एक्स की 1 हो जाएगी, फिर माइनस प्लस एक्स बाहर साइन एक्स की कॉस एक्स हो जाएगी। इसकी ब्रैकेट्स ओपन करो, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स,
माइनस एक्स कॉस एक्स, है ना, तो ये बनेगा माइनस टू साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। देखो इसको यहां तक, फिर अगला करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर है लॉग एक्स। आपको लॉग एक्स को दो बार डिफरेंशिएट करना है, कितनी बार, दो बार। करो तो जरा इसको डिफरेंशिएट, इसको वाई ले लो, तो ये बनेगा डी वाई बाय डी एक्स। लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, वन बाय एक्स। ये एक बार हो गया। अब दोबारा डबल डेरिवेटिव, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। जैसे देखो आप 1 बाई टू को क्या लिख सकते हो, 2 का इनवर्स, तो 1 बाई एक्स को, 1 बाई एक्स को क्या लिख सकते हो, x का इनवर्स, कर दो इसकी डिफरेंशिएशन, माइनस वन इंटू एक्स की पावर माइनस टू, ये बन जाएगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने यहां पे फॉर्मूला लगा दिया, एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन। देखो इसको यहां तक, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में दिया हुआ x क्यूब log x। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यहां पे क्या करो, u इंटू v लगा दो, क्या लगा दो, u इंटू v, तो log x बाहर, x क्यूब की हो जाएगी 3x square। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, u इंटू v, log x बाहर, x क्यूब की 3x square, फिर x का क्यूब बाहर निकालो, log x की 1 बाय x, है ना, x क्यूब बाहर निकाला, log x की 1 बाय x, ये और ये काट दो। अगर आप ध्यान से देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, यहां भी x का स्क्वायर है और यहां भी x का स्क्वायर बच गया, तो दोनों में x का स्क्वायर कॉमन निकालो, यहां बचेगा 3 log x और यहां बचेगा 1, है ना, 3 log x plus 1। चलो अब डबल डेरिवेटिव, दोबारा से इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, इसमें u इंटू v लगा दो, आप इसको u पढ़ो, इस पूरे को v, u इंटू v, u इंटू v, तो v बाहर, इसको बाहर रखो, ब्रैकेट वाले को बाहर निकालो, आपको डिफरेंशिएशन करनी है x स्क्वायर की, x स्क्वायर की 2x, फिर x का स्क्वायर बाहर निकालो, अब इसकी करो 3 बाहर, log x की 1 बाय x, और 1 की तो 0 हो जाएगी, तो यही बचेगा, है ना, ये और ये कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, 6x log x, इसको इससे 2x, और यहां बचा 3x, ये बचेगा 6x log x plus 5x। आप चाहो तो यहां से x भी कॉमन निकाल सकते हो, नहीं भी निकालोगे तो भी चलेगा, निकालोगे तो भी चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसकी डिफरेंशिएशन करो, इसमें u इंटू v लगा दो, ठीक है, इसमें फिर से u इंटू v, साइन 5x बाहर, आपको ex की करनी है, ex की ex हो जाएगी, फिर ex बाहर आ जाएगा, आपको इसकी करनी है साइन की, इसकी डिफरेंशिएशन, साइन की cos होती है और 5x की डिफरेंशिएशन 5 होती है, है ना, साइन की cos और 5x की 5, तो पीछे बचेगा 5 cos 5x, इन दोनों में ex कॉमन निकाल लो, तो यहां रह जाएगा, देखो दोनों में ex कॉमन निकाल रहे हैं, ex कॉमन, यहां बचेगा sin 5x और यहां बचेगा 5 cos 5x, है ना। चलो अब इसका डबल डेरिवेटिव, इसका डबल डेरिवेटिव डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसमें फिर से u इंटू v लगाओ, आप इसको ना u पढ़ो और इस पूरे को v, ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है पूरा v और ये u, ठीक है, ये u और ये v, लगाओ u into v, तो v बाहर, ये v बाहर निकालो, डिफरेंशिएशन ऑफ u, ex की डिफरेंशिएशन ex, फिर प्लस ex बाहर, आपको इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, साइन की कॉस और फिर 5x की 5,
तो बनेगा 5 cos 5x। अब देखो इसकी करनी है 5 बाहर cos की माइनस साइन 5x है ना, और फिर 5x की, फिर 5x की 5 हो जाएगी, और ये 5 5 25 माइनस 25 साइन 5x। अब दोनों में ex कॉमन निकालो, देखो ये ex और ये ex दोनों में बाहर निकालो, अंदर बचेगा ये साइन 5x प्लस 5 cos 5x प्लस ये सेम लिख दो 5 cos 5x माइनस 25 साइन 5x, तो ये बन जाएगा ex। देखो पहले तो इन दोनों को प्लस करो, 5 और 5 10, पहले तो ये लिखो 10 5x cos 5x, और ये देखो ये 25 है और ये 1 है, 25 में से 1 गया माइनस 24, देख लो इसको यहाँ पर, ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 सेम है ठीक है, ये शायद 2 होगा यहाँ पे, चेक कर लेना, ये होमवर्क में करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यू इंटू वी लगा के करना है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8, वाई इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स, आपने इसको फिर से क्या करना है, दो बार डिफरेंशिएट करना है ठीक है। टैन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन पहले तो एक बार करो, टैन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1 upon 1 plus x square है ना, टैन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन 1 upon 1 plus x square। अब दोबारा से d2y/dx square, आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, इसमें u by v लगा दो ठीक है, u by v 1 plus x square बाहर, 1 की डिफरेंशिएशन 0, फिर माइनस 1 बाहर, 1 plus x square की, 1 की 0, x square की 2x, और अपॉन में 1 plus x square का स्क्वायर, ये 0 हो गया, माइनस 2x अपॉन 1 plus x square का स्क्वायर, ये लो जी ये भी कंप्लीट, देखो स्क्वायर। अब आ जाओ नेक्स्ट, लॉग लॉग एक्स, आपको डिफरेंशिएट करना है लॉग लॉग एक्स को, चलो करो जरा इसको डिफरेंशिएट, ये बनेगा डी वाई बाय डी एक्स, आप इसको ना लॉग एक्स पढ़ो, लॉग एक्स, लॉग एक्स की होती है 1/x, लॉग एक्स की 1/x, तो ये बनेगा 1/log x इनटू, फिर आपको इसको भी करना है अंदर वाले को भी, तो अंदर वाला कौन है ये log x ही क्या होती है 1/x, तो अब इसको लिख दो 1/x, तो ये बन गया 1/x log x। अब आप इसको दोबारा करना है ठीक है, इसकी दोबारा या तो आप इसमें u by v लगा दो, इसमें u by v थोड़ा लेंथी हो जाएगा, आप u by v से भी करोगे तो भी चलेगा, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो 1/2 को आप लिख सकते हो ना 2 का इनवर्स, तो आप इसको भी ऐसा लिख दो x log x का इनवर्स ठीक है, इस तरीके से लिख दिया, करो जरा इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, ये बनेगा d2y/dx square। देखो सबसे पहले आपको इसको करना है पावर को, ये बन रहा है x की पावर माइनस 1, तो क्या बनेगा माइनस 1 इंटू x की पावर माइनस 2, और फिर आपको इसको करना है अंदर वाले को d/dx x log x, ये ऐसा बन गया, इसको नीचे ले जाओ, ये बनेगा माइनस 1/x log x का स्क्वायर ठीक है। अब इसमें u इंटू v लगाओ, v बाहर log x बाहर आ जाएगा, x की 1 हो जाएगी, x बाहर log x की 1/x हो जाएगी है ना, x बाहर log x की 1/x हो जाएगी, तो ये और ये कैंसिल, तो लिखो माइनस, ये लिखो log x प्लस 1 और अपॉन में लिख दो x log x का होल स्क्वायर, देखो यहां पर
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है साइन लॉग एक्स, आपको डिफरेंशिएट करना है साइन लॉग एक्स को, तो कैसे करेंगे? अब इसको वाई ले लो, करो जरा डिफरेंशिएट। साइन की होती है कॉस, कॉस लॉग एक्स, और फिर आपको लॉग एक्स को करना है, लॉग एक्स को, लॉग एक्स की वन बाय एक्स है ना। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स नीचे ही आ जाएगा, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया। अब दोबारा से इसको दोबारा से कैसे करना है, यू बाई वी लगा के करो जरा डिफरेंशिएट। डी टू वहां पर डी एक्स स्क्वायर, इस पे लगाओ यू बाई वी, तो वी बाहर, डिफरेंशिएशन करनी है आपको कॉस लॉग एक्स की। देखो कॉस की होती है माइनस साइन लॉग एक्स है ना, और फिर आपको लॉग एक्स की करनी है, लॉग एक्स की वन बाय एक्स, ठीक है। ये बाहर रखा आपने डिफरेंशिएशन की कॉस एक्स की, माइनस साइन एक्स और लॉग एक्स की वन बाय एक्स। अब इसको बाहर निकालो, माइनस कॉस लॉग एक्स बाहर, आपको डिफरेंशिएशन करनी है एक्स की, एक्स की वन हो जाएगी, और अपॉन में वी का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, तो ये एक्स और ये एक्स कैंसिल, तो अंदर बचेगा माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। देख लो, माइनस कॉमन निकालना तो कॉमन निकाल सकते हो। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। y दिया हुआ है 5 cos x माइनस 3 sin x, प्रूफ करना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये प्रूफ करना है। मतलब आपको कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, दो बार, ठीक है, आपको दो बार डिफरेंशिएट करके प्रूफ करना है। तो करो जरा इसको दो बार डिफरेंशिएट, ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, देखो 5 तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, cos x की माइनस sin x, फिर 3 बाहर रखो और साइन एक्स की कॉस एक्स, ये हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, ठीक है। अब दोबारा, अब डबल डेरिवेटिव निकालो, ये बनेगा डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाहर साइन एक्स की कॉस एक्स और कॉस एक्स की, कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो, इसको लिखो, इन दोनों में ना माइनस कॉमन निकालो, ये बनाओ 5 cos x माइनस 3 sin x, तो माइनस कॉमन निकालोगे ये बन जाएगा, तो यहां से माइनस कॉमन निकाला, ये बना प्लस का 5 cos x और ये प्लस का, तो माइनस का हो जाएगा माइनस 3 sin x, ये ऐसा बन गया। तो आप इसको लिखो डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस, देखो 5 cos x माइनस 3 sin x किसके बराबर है, y के बराबर है ना। इस y को यहां ले जाओ, तो चेक करो यही प्रूफ होगा, तो d2 टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो। देखो यहां तक, फिर अगला करते हैं। नेक्स्ट y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है इन टर्म्स ऑफ y alone, मतलब कि इसका जो आंसर है ना y में आना चाहिए, इसमें आना चाहिए y में आना चाहिए, समझे कि नहीं। जैसे अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे दो बार है ना, जैसे हमने इसको डिफरेंशिएट किया दो बार, देखो इसको दो बार डिफरेंशिएट किया, तो इसका आंसर किस में आया, इसका आंसर x में आया है ना, ध्यान से देखो, x alone मतलब यहां पे सिर्फ x है, तभी alone मतलब x अकेला है। लेकिन वो बोलता है कि उस वाले जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें जो आंसर है ना वो y में आना चाहिए। अगर आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे ना, तो इसका आंसर फिर से x में ही आएगा, y में थोड़ा आएगा। तो हम इसमें पता क्या करते हैं, cos को इधर ले जाओ या दोनों तरफ cos लगा दो, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू cos y। देखो ध्यान से, क्या ऐसा लिख सकते हैं, हमने cos दोनों तरफ cos लगा दिया, तो या इस तरफ इसको ले गए तो cos y इक्वल टू x बचेगा। अब आप इसको दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर y में आ जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू y से करना, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y से, तो ये बनेगा dx by dy, cos की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन y,
कॉस और वाई और विद रिस्पेक्ट टू वाई से कर रहे हो, तो वाई को करोगे तो कैंसिल वन ही हो जाएगा, ठीक है। अब वाई को विद रिस्पेक्ट टू वाई से करोगे तो वन ही हो जाएगा, ठीक है। देखो आंसर अभी तक वाई अलोन में आया, यही करना है आपको, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें चाहिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो अब इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालो, दोनों तरफ उल्टा कर दो, मतलब इसको वन लिख के ना दोनों तरफ रेसिप्रोकल करो, उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स वन अपॉन माइनस साइन वाई, ये समझ आया। हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ का उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। तो ये बनेगा देखो वन बाय साइन, वन बाय साइन होता है कोसेक, है ना, वन बाय साइन होता है कोसेक। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, ठीक है, दोबारा से करो, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एक्स से करना, वाई से नहीं करना, क्योंकि आपको डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो करो इसको डबल डेरिवेटिव, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम कर रहे हैं डी बाय डी एक्स, एक्स से कर रहे हैं कोसेक वाई। देखो कोसेक की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कोसेक की डिफरेंशिएशन होती है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, क्या होती है, कोसेक एक्स कॉट एक्स। कोसेक की जो डिफरेंशिएशन होती है वो होती है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, लेकिन यहां पे एक्स है और यहां पे वाई है, तो आपको वाई को भी करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वाई को भी कर दो डी वहां पर डी एक्स, और डी वहां पर डी एक्स की वैल्यू आपके सामने है माइनस कोसेक वाई, यहां लिख दो, तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस कोसेक वाई कॉट वाई इंटू इसकी वैल्यू माइनस कोसेक वाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा माइनस कोसेक स्क्वायर वाई कॉट वाई। तो ये किस में आ गया, इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन। देखो ठीक है, नेक्स्ट 13, वाई इक्वल टू थ्री कॉस लॉग एक्स प्लस फोर साइन लॉग एक्स, आपको प्रूफ ये करना है, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू जीरो। देखो वाई टू का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव, वाई टू का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव, और वाई वन का मतलब होता है सिंगल डेरिवेटिव। तो आपको यहां पर दो बार डिफरेंशिएट करके ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन काफी फेमस है आजकल, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं आजकल, क्या पहले भी ऐसे क्वेश्चन, अभी तक जो किया उसमें से कम ही आएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो अब इसको दो बार डिफरेंशिएट करो, क्या बनेगा, देखो ये बनेगा डी वाई बाय डी एक्स, देखो कॉस की हो जाएगी माइनस साइन, माइनस साइन एक्स माइनस साइन लॉग एक्स, और फिर आपको लॉग एक्स को करना है, लॉग एक्स की वन बाय एक्स हो जाएगी, है ना, log x की 1 by x। आप x इसके नीचे लिख दो, इसके नीचे लिख दो, और फिर इधर भी ऐसी 4 cos log x और log x की 1 by x, तो अपॉन में x लिख दो, ठीक है, दोनों का LCM ले लो, ये बनेगा d वाई बाय डी एक्स, दोनों का LCM ले लो, x माइनस 3 sin log x प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, ये ऐसा बन गया। देखो अब एक चीज हमेशा याद रखना, हम आपको एक चीज बता देते हैं, क्योंकि जब हम आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाएंगे ना, तो वहां पे भी ये सब चीजें बताएंगे। एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन हो, जब भी डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन हो, जो डिनोमिनेटर हमेशा लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, ये चीज हमेशा याद रखना, डिनोमिनेटर हमेशा लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो। ऐसा क्यों, इससे आसान हो जाता है करना, और इजी हो जाएगा। आप क्या करो, x को यहां ले जाओ, x डी वाई बाय डी एक्स माइनस 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। याद रखना, जब भी आपके पास डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन हो, जब डिफरेंशिएट कर दिया एक बार, जो भी टर्म डिनोमिनेटर में होगी उसको शिफ्ट कर देना लेफ्ट साइड, ठीक है। अब आप इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो, दोबारा से डिफरेंशिएट करो, इसमें u इंटू v लगा दो, x बाहर डी वाई बाय डी एक्स की
डी टू वहां पर डीएक्स स्क्वायर, फिर डी वहां पर डीएक्स बाहर, एक्स की वन हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, इसकी करो कॉस की साइन, सॉरी साइन की कॉस और लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स की वन बाय एक्स, ये मल्टीप्लाई करके एक्स यहां लगा दो। ठीक है, अब यहां आ जाओ कॉस की माइनस, माइनस फोर साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स की क्या हो जाएगी, लॉग एक्स की एक्स हो जाएगी, अपॉन में एक्स लिख दो। ठीक है, यहां तक पहुंच गया। अब क्या करो, देखो डी टू वहां पर डी एक्स स्क्वायर है ना, उसको हम वाई टू लिख सकते हैं, और डी वहां पर डी एक्स को वाई वन लिख सकते हैं। आप इसको लिखो एक्स वाई टू, एक्स वाई टू प्लस, और इसको लिखो वाई वन, इसको लिखो वाई वन। देखो इन दोनों में माइनस कॉमन निकालो, माइनस कॉमन निकालो, साथ में एलसीएम भी ले लो, माइनस कॉमन निकाल के एलसीएम ले लो, एक्स एलसीएम, अंदर बचेगा थ्री कॉस लॉग एक्स प्लस फोर साइन लॉग एक्स, थ्री कॉस लॉग एक्स प्लस फोर साइन लॉग एक्स, ये बन गया। अब क्या करो, ये x क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये जो x दिख रहा है ना, इस x को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा x इंटू x, x स्क्वायर, और फिर x को इससे मल्टीप्लाई करो एक्स वाई वन, और ये देखो किसके बराबर है, थ्री कॉस लॉग x प्लस फोर साइन लॉग x, थ्री कॉस लॉग x प्लस फोर साइन लॉग x किसके बराबर है, y के बराबर है। तो आप इसको लिख दो y, और इस y को यहां ले आओ, आप चेक करो, देखो क्या प्रूफ करना था, यही करना था, देखो देख लो, चेक करो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला देखो एक बार फिर, अगला कराते हैं। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14, y इक्वल टू ए ई एम एक्स प्लस बी साइन ई अप ई एन एक्स, आपको प्रूफ ये करना है, मतलब आपको दो बार डिफरेंशिएट करना है, कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, दो बार। ठीक है, हो जाओ शुरू, करो जरा पहली बार, ये बनेगा डी वाई बाय डी एक्स, ए को रखो बाहर, आपको ई एम एक्स को करना है, देखो ई एक्स की ई एक्स होती है, एक्स की ई एक्स, फिर आपको एम एक्स की करनी है, एम एक्स की एम होती है, तो ये बनेगा ए एम ई एम एक्स, इसी तरह बी बाहर, इसकी हो जाएगी ई एन एक्स, एन एक्स की एन, बी एन ई एन एक्स, है ना, समझ गए, ई एन एक्स की ई एन एक्स और एन एक्स की एन, ये एक बार की। अब दोबारा दोबारा से करो, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, देखो ए एम बाहर आ जाएगा, ई एम एक्स की ई एम एक्स हो जाएगी, और फिर एम एक्स की करनी है, एम एक्स की एम हो जाएगी, तो इसको मल्टीप्लाई करो, ए एम स्क्वायर ई एम एक्स, और जैसे यहां की वैसे यहां, ये यह बनेगा बी एन स्क्वायर ई एन एक्स, ये ऐसा बन गया। ठीक है, अब आप क्या करो, इसकी ना एल एच एस ले लो, LHS ले लो पूरी, तो ये बनेगा LHS लेने जा रहे हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई, हमने क्या कर दिया, हमने इसकी LHS ले ली पूरी। ठीक है, अब क्या करो, डी टू वहां पर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू डालो, ये देखे रखिए, ये सॉरी ये ए एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर ई एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई एन एक्स माइनस एम प्लस एन, देखो डी वहां पर डी एक्स की वैल्यू ये दी है, ए एम स्क्वायर नहीं सॉरी ये
ए एम ई एम एक्स प्लस बी एन ई एन एक्स माइनस प्लस एम एन वाई, एम एन वाई, वाई की वैल्यू ये दी है ए ई एम एक्स प्लस बी ई एन एक्स, ए ई एम एक्स प्लस बी ई एन एक्स। करो जरा इसको सॉल्व, ये बनेगा ए एम स्क्वायर ई एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई एन एक्स, इसको इसे मल्टीप्लाई माइनस लगा के माइनस ए एम स्क्वायर ई एम एक्स, फिर इसको इससे माइनस लगा देना, ठीक है माइनस सबके साथ लगता जाएगा, माइनस बी एम एन ई एन एक्स, फिर इसको इससे माइनस लगा देना, माइनस ए एम एन ई एन एक्स ई एम एक्स, और फिर इसको इससे माइनस लगा के माइनस बी एन स्क्वायर ई एन एक्स, और इसको इससे ए एम एन ई एम एक्स, और इसको इससे बी एम एन ई एन एक्स। अब जो जो कट रहा है वो काटते जाओ, देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, जीरो प्रूफ करना था जीरो प्रूफ कर दिया, चेक कर लो। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15, y इक्वल टू 500e7x प्लस 600e-7x। आपको ये प्रूफ करना, मतलब आपको दो बार डिफरेंशिएट करना है, d2y बाय dx स्क्वायर, मतलब आपको दो बार डिफरेंशिएट करना है। करो जरा इसको दो बार, क्या बनेगा, पहले तो करो एक बार, देखो 500 को रखो बाहर, e7x की e7x और 7x की 7, है ना, ऐसा बन जाएगा, फिर 600 बाहर, e माइनस सेवन एक्स की e माइनस सेवन एक्स और माइनस सेवन एक्स की माइनस सेवन एक्स की माइनस सेवन, माइनस सेवन एक्स की माइनस सेवन, दोनों में 7 कॉमन है, 7 कॉमन निकालो, सिर्फ 7 ही निकालो, बस ज्यादा नहीं निकालो, 7 बाहर आ जाएगा, यहां लिखो 500 e7x, ठीक है माइनस लिखो पहले, माइनस प्लस माइनस 600e-7x, ये हमने एक बार की। अब दूसरी बार करो दोबारा से, तो ये बनेगा d2y/dx2। देखो अब इसकी करनी है 500 बाहर e7x की e7x, फिर 7x की करो 7x की 7, 7x की 7, फिर 600 बाहर e माइनस सेवन एक्स की e माइनस सेवन एक्स, और फिर माइनस सेवन के x की करो माइनस सेवन एक्स की माइनस सेवन, है ना माइनस सेवन एक्स की माइनस सेवन, दोनों में फिर से 7 कॉमन निकालो, फिर से 7 बाहर निकालो, तो ये बनेगा d2 टू वहां पर डी एक्स स्क्वायर। देखो एक 7 पहले का था, एक 7 बाहर निकाल रहे, ये 7 बाहर आ गया, अंदर बचा 500 e7x माइनस माइनस प्लस 600e-7x, ये बना 7 7 49, और ये देखो किसके बराबर है 500e7x प्लस 600e-7x, ये देखो ये y के बराबर, तो अब इसको y लिख दो और यही प्रूफ करना, देख लो चलो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16, ई वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन इक्वल टू वन, आपको शो ये करना, मतलब आपको डबल डेरिवेटिव, आपको दो बार डिफरेंशिएट करना है, कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, दो बार, ठीक है हो जाओ शुरू। इसमें क्या करो, इसको करो डिफरेंशिएट, इसमें यू इंटू वी लगा दो, ठीक है एक्स प्लस वन बाहर, आपको ई वाई की करनी है, ई वाई की ई वाई, और फिर वाई की करनी है,
वाई की डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब ई वाई बाहर रखो, एक्स की वन और वन की जीरो, वन प्लस जीरो, और फिर इसकी वन की, वन की कांस्टेंट की जीरो, कांस्टेंट की तो जीरो हो जाएगी। दोनों में कॉमन देख रहे हो क्या, दोनों में ई वाई कॉमन है, ई वाई कॉमन निकालो, यहां बचेगा एक्स प्लस वन, फिर बचा डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई वाई कॉमन निकाल लिया, पीछे बचा वन, ये ऐसा हो गया। देखो ई वाई कभी भी जीरो नहीं हो सकता है ना, अब या तो हो सकता है, देखो जैसे आप बचपन में नहीं करते थे x माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो, तब क्या लिखते थे, या तो x माइनस ए जीरो होगा या तो x माइनस बी जीरो होगा, तो हम इधर भी यही बोलेंगे, हम बोलेंगे या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा है ना, लेकिन ई वाई कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ना अगर आप ई वाई, अगर आप वाई की जगह जीरो डाल दो तो ई रेस टू बार जीरो वन ही होता है, एनीथिंग रेस टू बार जीरो वन, तो तभी ई वाई कभी जीरो नहीं हो सकता, समझ गए। तो अब आप क्या करो, वन को इस तरफ ले जाओ, क्या बनेगा ये, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो, वन को इस तरफ लाओ और अपॉन में एक्स प्लस वन, ठीक है। अब आप इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, सबसे पहले देखो आपको ये भी तो चाहिए डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, पहले तो ये निकाल लो, इसका स्क्वायर करो माइनस वन बाय एक्स प्लस वन का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर वन होता है, ये बनेगा एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ये ऐसा बन गया है ना। अब आपको इसको डबल डेरिवेटिव निकालना, इसका डबल डेरिवेटिव इसमें u बाई वी लगा दो, ठीक है, x प्लस वन बाहर माइनस वन की जीरो हो जाएगी, फिर माइनस वन बाहर x प्लस वन की वन हो जाएगी, x की वन, वन की जीरो, और अपॉन में x प्लस वन का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करो, ये बनेगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया और ये प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर, तो ये बन गया वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर। आप देखो दोनों का आंसर सेम है, दोनों सेम है ना, तो आप यहां पे लिख सकते हो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। देखो दोनों का आंसर बराबर है, ये और ये दोनों सेम है। अब देखो आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन, देखो क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू टैन इनवर्स x का होल स्क्वायर, आपको प्रूफ ये करना है, y2 का मतलब है डबल डेरिवेटिव और y1 का मतलब है dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो आपको इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो करो जरा पहली बार क्या बनेगा, ये बनेगा dy बाई डी एक्स, सबसे पहले पावर को करना है, पावर को करो, ये बनेगा 2 इंटू टैन इनवर्स एक्स, और फिर आपको टैन इनवर्स एक्स को करना है, टैन इनवर्स एक्स की होती है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ऐसा बन गया। तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स which is equal to 2 tan inverse x upon 1 plus x square, ठीक है, यहां तक हो गया। अब हमें इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। देखो एक चीज हमने क्या बताई, जब भी डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन होगा जो टर्म डिनोमिनेटर में होगी उसको शिफ्ट करना है लेफ्ट में, ये याद हमेशा याद रखो, कोई भी क्वेश्चन हो डबल डेरिवेटिव का, जो भी टर्म डिनोमिनेटर में होगी उसको शिफ्ट कर दो लेफ्ट में, ठीक है। तो क्या बनेगा, 1 plus x square यहां ले जाओ, ये ऐसा बन गया है ना। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, इसको क्या करो दोबारा से डिफरेंशिएट करो,
इसमें यू इंटू वी लगाओ, वन प्लस एक्स स्क्वायर बाहर, आपको डी वहां पर डीएक्स की करनी है, इसकी करनी है, इसकी होती है डी टू वहां पर डीएक्स स्क्वायर, फिर डी वहां पर डीएक्स को बाहर रखो, अब इसकी करो, वन की जीरो, एक्स स्क्वायर की टू एक्स, और फिर टैन इनवर्स एक्स की, टैन इनवर्स एक्स की होती है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमने यहां पे क्या बताया, y2 को लिख दो डबल डेरिवेटिव और y1 को लिख दो सिंगल डेरिवेटिव, तो हम यहां पर देखो ये जो d2 y by dx square है इसको y2 लिख रहे हैं, 1 plus x square इसको y2 लिख रहे हैं, y2 फिर लिख रहे हैं 2x, और यहां पे d y by dx है, d y by dx को y1 लिख दो और इक्वल टू में ये सेम लिख दो, 2 अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, वन प्लस एक्स स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर वाई टू, और वन प्लस एक्स स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई करो, टू एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू, आप चेक कर लो, यही प्रूव करना, देखो सेम है, देखो इसको यहां पर, ठीक है, ये होगी हमारी एक्सरसाइज 5.7 कंप्लीट। अब इसकी लास्ट एक्सरसाइज बची है मिसलेनियस एक्सरसाइज, वो कल करवाएंगे आप लोग, ठीक है, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, मिलते हैं कल मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ।